हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो आ गई है जिसमें कि हम आपको आज बताने वाले हैं एलजी के कैसेट एसी के बारे में। इंस्टॉलेशन होनी है, एलजी का एयर कंडीशनर है और जो यूनिट है वो वीआरएफ है। ये पूरे 6 इंडोर हैं और 2 आउटडोर हैं वीआरएफ के। तो मैं आपको आज कैसेट एसी का जो ऑपरेटर है, यानी कि जो नया इंडोर आया है, उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे हमें खोलना है, किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन होनी है। तो मैं इसलिए एक इंडोर खोल रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि ये किस तरह से इसको खोलना होता है, क्योंकि ये नया मॉडल है और आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा अभी, क्योंकि मैं खुद पहली बार इसको खोल रहा हूँ और पहली बार ही इस तरह का एसी, ये जो कैसेट है राउंड वाला, मैं देख रहा हूँ। इसको राउंड भी बोलते हैं, राउंड कैसेट एसी, और इसको 360 भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि सारे इंस्टॉलेशन होने हैं। तो सोचा चलो आज एक इंडोर पूरा खोलता हूँ। तो मैं इसको खोलूँगा, किस तरह से खोलते हैं, मैं खुद फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ, तो चलो आपको भी दिखाऊँगा मैं किस तरह से खोलते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से ये पूरा ऊपर का देख रहे हैं, इसका ये फ्रंट लुक है। तो आप देखिएगा, पहले जो फिर कैसे डेसी आते थे उसमें लॉक होते थे, सामने से ही बंदा देखता था कि हाँ किधर से खोलना है। और इस तरह देखिएगा, इधर किधर भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि हमें खोलने किधर से हैं। इसमें जो पाइप हैं वो 3/8 और 5/8 का साइज़ का जो पाइप लगा है, और सारे इसी तरह के पाइप हैं। तो इसे खोलने के लिए देखिएगा, बाहर से पहले हमें इस तरह के फ्रेम को राउंड करके घुमाना है, जो बाहर वाला फ्रेम है उसको। तो सबसे पहले ये खुलेगा। अब इसको खोल के फिल्टर हमारा जो है इसके अंदर है। तो पहले वाले यूनिट में ग्रिल निकालना, फिल्टर निकालना एकदम इजी था। इसमें थोड़ा सा कहीं से भी मतलब लिखा भी नहीं है, कोई मार्क भी नहीं दिख रहा है कि खुलेगा किधर से, और मैं भी फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। और ये भी देखिएगा, ट्राई कर रहा है खोलने का किधर से खुलेगा। और देखिएगा, अभी कोशिश करता हूँ मैं खोलने की। तो देखो अभी खुल गया है, पता चल गया कैसे खुलेगा ये। देखिएगा अभी आगे की तरफ करेंगे इस तरह से, ये खुलेगा। और पीछे करेंगे तो लॉक हो जाएगा। आगे की तरफ जो है खुलेगा, और जो पीछे की तरफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिएगा खुल गया। तो ये फिल्टर लगा है इसके अंदर, ये फिल्टर है। कंपनी ने फिल्टर भी कुछ ज़्यादा ही छोटा दिया है। देखिएगा कितना बड़ा फिल्टर है, जितना बड़ा एसी उतना ही बड़ा फिल्टर है। ये हमारा ब्लोअर है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल बाकी कैसी डेसी होती है उसमें भी इस तरह से ही होता है। ये जो है कॉइल है हमारी एवेपोरेटर की, और ये पीसीबी है छोटी सी, जो डिस्प्ले पीसीबी बोलते हैं उसको। ये डिस्प्ले पीसीबी है जो कि हमारी लाइट वगैरह ब्लिंकिंग करती है, लाइट ऑन होती है। अगर आपको कॉइल में कुछ काम करना, लीकेज वगैरह हो जाती है, फिर आपको खोलने के लिए, ये साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरी बॉडी खोलनी पड़ेगी, जो कि इसके अंदर स्क्रू भी हैं और लॉक भी लगे हैं। तो ये देखिएगा, इधर लॉक स्क्रू हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉक कहाँ पे हैं। तो ये देखिएगा, ये लॉक है। तो इस तरह से लॉक निकालेंगे तो ये जो है बॉडी निकल जाएगी और आपको कॉइल पूरी नज़र आ जाएगी। तो आप कॉइल में काम कर सकते हैं, कॉइल निकाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए ये पूरी बॉडी आपको खोलनी पड़ेगी। और अगर आपका ब्लोअर में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लोअर आपको खोलना है, तो इस तरह से ही आपको ऊपर का कवर निकालना पड़ेगा। और कवर निकालेंगे देखिएगा, पूरा ब्लोअर हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से ये ब्लोअर है, और बराबर से जो इसका कनेक्शन वायर है, जो वायर है अंदर से गया है उधर के लिए, आप वायर भी निकाल सकते हैं। तो ये ब्लोअर पूरा आप देखिएगा, इस तरह से ब्लोअर है, ये जो वायर है आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपको ब्लोअर निकालना है। तो बस मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ और ख़ुद भी देख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या खुलेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कैसे कैसे करना है। और इसलिए बस इसको खोल रहा था, आपको भी मैं सोचा दिखा दूँ। ये मेड इन कोरिया है, देखिएगा मेड इन कोरिया इस पर लिखा है। और अभी हमें क्या करना है, कनेक्शन प्लेट निकालनी है, क्योंकि कनेक्शन हमें करने हैं जैसे। तो कनेक्शन प्लेट निकालने के लिए आपको ये फ्रेम निकालना पड़ेगा जो बाहर लगा है इसके, और ये है इसका कनेक्शन बॉक्स।
तो इस कनेक्शन बॉक्स को खोलेंगे तो ये है, देखिएगा पीसीबी कार्ड इसके अंदर निकला है, ये इसके वायर वगैरह इसके कनेक्शन है, ये जो कि हमारे न्यूट्रल फेस इधर आएंगे, लाइन वन लिखा है और एन लिखा है, और इस पे जो कनेक्शन हमारे कंट्रोल के आएंगे, जो कि आउटडोर से कनेक्शन हमारे इस पे आएंगे, वो तो वो आउटडोर के लिए हो गए, दो हमारे न्यूट्रल फेस हो गए, तो ये इसके चार वायर आएंगे। और जब इसकी इंस्टॉलेशन होगी तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो बस आज मैं रिव्यू दे रहा था कि इस इंडोर का रिव्यू दे रहा था कि आपको किस तरह से ये इंस्टॉलेशन करना है और इसके अंदर कैसे कैसे खोलना है, क्या क्या है, ये सब मैं देख रहा था, खोल के मैं खुद भी देख रहा था और सोचा साथ साथ आपको भी दिखा दूं। और चलो मैं आपको आउटडोर दिखाता हूं कि इसके जो आउटडोर हैं VRF के वो रखें, देखिए तो ये हमारे पांच यूनिट रखे हैं साथ में, जो कि ये भी लगने हैं कैसेट, और इसको तो आप पहचान नहीं गए होंगे, ये वाइट ट्रैप बोलते हैं इसको, जो कि हमारे कनेक्शन इसके थ्रू होते हैं पाइप के। तो ये हमारे आउटडोर हैं, आप देखिएगा ये एक आउटडोर जो है 10 TR का है, टोटल 20 TR है, 20 टन है, पाइप वगैरह सारे आ चुके हैं, सारा सामान बस अभी आया है, और देखिएगा अभी इंसुलेशन वगैरह भी आई है, तो ये सारे पाइप हैं, लेंथ हैं, जो हार्ड वाला पाइप है वही डलेगा इसमें ब्रिजिंग करने के लिए, सिलेंडर वगैरह सारे आ गए हैं, सारा सामान अभी जस्ट आया है, AC कल आ गए थे, और ये जो लगने हैं ये पूरा देख रहे हैं आप, हॉल काम चल रहा है अभी, तो ये इधर लगेंगे, और जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होगी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको VRF की इंस्टॉलेशन, इधर लगने हैं सारे 6 AC जो है ना, इधर लगेंगे, कुछ सामान अभी और पाइप वगैरह जो हैं, जो रोल वगैरह पड़े हैं वो अंदर जो लगेंगे वो इधर भी पड़ा सामान, तो काफ़ी सारा सामान आ चुका है, सारा इंस्टॉलेशन का सारा सामान आ गया है, जैसी वीडियो बनेगी मैं अपलोड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जाते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।